हम सब लोग कहते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है, सरकार ये काम करे वो काम करे, प्रशासन अपना काम नहीं करता। हमेशा हम लोग ये कहते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, लेकिन आज क्योंकि गणतंत्र दिवस है तो मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि एक अच्छे नागरिक का भी कुछ कर्तव्य होता है। हर काम प्रशासन और सरकार नहीं कर सकती, सरकार और प्रशासन अपना काम करती है और कहीं कोई कमी अगर होती है तो आप अधिकार से उनको कह सकते हैं, क्योंकि आपका हक है, आप वोट करते हैं, इसलिए आपकी आपका बहुत बड़ा हक और अधिकार है सरकार पे भी और प्रशासन पे। आप उनको हक से कह सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को भी आपको उतना ही निभाना आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई भी बात होती है, चाहे हम बात करें गंदगी की, हम बात करें सड़कें टूटी हुई है, या हम बात करें जब नालियों में कचरा इकट्ठा हो जाता है या पानी की कमी होती है, किसी भी इस प्रकार की जो समस्या आती है, अतिक्रमण की समस्या आती है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं। इसमें थोड़ी बहुत हमारी भी गलती होती है, इसमें हमारी भी जिम्मेदारी होती है, तो अपनी जिम्मेदारी को भी निभाना हमारा कर्तव्य है, एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी। अगर सड़क टूटती है तो जब सड़क बन रही होती है तो हम लोग कहाँ होते हैं? उस समय हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर के बाहर सड़क बन रही है, हमारे गांव में सड़क बन रही है, वो गुणवत्ता से बन रही है या नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो आपका कर्तव्य है कि आप ये बात सरकार और प्रशासन की ध्यान में लाएं कि भाई ये काम ठीक से नहीं हो। कचरा भी है जो हम बात करते रहते हैं, गंदगी, विशेषकर शहरों में ये गंदगी की समस्या हमेशा रहती है, तो वो सब चीजें भी हम ही कचरा फेंकते हैं, तो अगर हम एक निर्धारित स्थान में कचरा फेंकें, वहां पर कचरा पात्र लगाएंगे, तो ये समस्या इतनी ज्यादा नहीं होगी। प्लास्टिक का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हमको भी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं जो ऐसी चीजें हैं जो हम अपने आप कर सकते हैं, इसमें सरकार या प्रशासन की आवश्यकता भी नहीं है। पानी बचाने का काम जब हम लोग कहते हैं पानी की कमी हो रही है, पानी नहीं है, लेकिन पानी को गलत तरीके से बहाना, पानी का उपयोग जरूरत से ज्यादा करना भी, ये भी हम लोगों का ही काम है, तो उसमें भी हम लोग हमारी जिम्मेदारी को निभाएं। इसके बारे में भी हमको चिंता भी करनी चाहिए और अपनी ओर से हम क्या कर सकते हैं जल संरक्षण के लिए, विशेषकर जो वर्षा का पानी है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, और कहां हमें लगता है कि हम पानी को बचाने का काम कर सकते हैं। गांव में तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं जिससे कि पानी को हम बचाएं और हमारे पर्यावरण को भी हम लोग कैसे और संरक्षण कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इसका काम भी हम लोगों को करना चाहिए। हमारे बच्चों को संस्कार देने का काम भी हमारा ही है, हमारी जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है अच्छी शिक्षा देना, लेकिन जो घर में संस्कार मिलते हैं वो तो सिर्फ आप ही लोग दे सकते हैं, घर के ही व्यक्ति परिवार ही दे सकता है, तो वो जिम्मेदारी भी हमारी ही है।